न्यूटन के 333 वर्ष पुराने तीसरे नियम में संशोधन संभव है। इसके लिए कुछ प्रयोगों की जरूरत है। प्रयोगों की सलाह देश विदेश के वैज्ञानिकों ने दी है। इस पर लगभग 10 से 12 लाख रुपए खर्च होंगे। ये बात आज उप जिला शिक्षा अधिकारी अजय शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता के साथ शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। अजय शर्मा ने अपने जीवन के 36 वर्ष इंस्टीन न्यूटन और आर्किमिडीज पर शोध करते हुए लगा दिया है। अजय शर्मा ने न्यूटन की परिभाषा अनुप्रयोगों और इलास्टिक कॉलियंस के आलोचनात्मक अध्ययन से नियम का संशोधन किया है। उन्होंने बताया है कि संशोधन का कारण यह है कि न्यूटन का नियम वस्तु के आकार की अनदेखी करता है। ये नियम की महत्वपूर्ण खामी है। उन्होंने बताया कि 20 वर्ष पहले प्रगति प्रकाशन के एक रिसर्च जर्नल ने तीसरे नियम को उन्होंने संशोधित किया था। इसके अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर कम या ज्यादा भी हो सकती है। संशोधित नियम में एक नया घटक या फैक्टर आ जाता है जो वस्तु के आकार की व्याख्या करता है। इस तरह अजय का संशोधित नियम एक विस्तृत नियम है और न्यूटन का नियम अजय के संशोधित नियम की विशेष अवस्था है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय साइंस एवं टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा उपाध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर एवं सांसद सुरेश कश्यप से आग्रह किया है कि वे उन्हें प्रयोगों की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। इन प्रयोगों पर लगभग 10 से 12 लाख रुपए खर्च होंगे और भारत का नाम दुनिया के हर स्कूल तक जाएगा। मैं अजय शर्मा, उप जिला शिक्षा अधिकारी शिमला के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, किस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? देखिए, हम स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक्स में एक न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ाते हैं जो 333 वर्ष पुराना है। मेरी शोध का यही अर्थ निकला है कि इस नियम को अभी वैज्ञानिकों ने पूरी तरह नहीं समझा है और यह नियम वस्तु के आकार के बारे में पूरी तरह साइलेंट है, उसको इग्नोर करता है या उसको अकाउंट फॉर नहीं करता है। मैंने अपनी शोध में यही पाया है कि वस्तु का आकार इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और उसको नियम में आत्मसात करना चाहिए, लेकिन नियम में आकार का कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने उस आकार को संशोधित किया है। जैसे कि आप देखिए, हमारे पास एक राउंड बॉल है, इस बॉल के हमारे पास दो अर्थ गोलाकार भी बन सकते हैं और इसको हम अलग अलग आकार भी दे सकते हैं, लेकिन न्यूटन का नियम कभी भी आकार के बारे में कुछ नहीं कहता है, उसकी तरफ से आकार बेमानी है। इस इशू को मैंने वैज्ञानिक मंचों पे रखा और हर जगह यही मुझे रिजल्ट मिला है कि वस्तु का आकार महत्वपूर्ण है और उसको स्टडी करना चाहिए। सबसे पहले अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के प्रेसिडेंट ने लिख कर दिया कि वस्तु के आकार को जज करने के लिए प्रयोग किए जाएं। उसके बाद इंडियन साइंस कांग्रेस ने मेरे शोध पत्र को छापा। उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि वे वस्तु को आकार को समझने के लिए प्रयोगों की आवश्यकता है। मैंने भारत सरकार से अपनी गुहार लगाई, वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मेरे सारे प्रोजेक्ट को CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को भेजा है और आगे प्रयोगों की बात वहाँ पे चल रही है और मुझे निश्चय है कि वस्तु का आकार महत्वपूर्ण है और ये प्रयोग सफल होंगे और इससे भारत का नाम दुनिया के हर स्कूल में जाएगा। आदर्श हिमाचल के लिए शिमला से प्रियंका चौहान की रिपोर्ट।